अगले शायर से मुलाकात करें और एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश करूं जिसने मुशायरों में बहुत कम वक्त में लोगों की इतनी मोहब्बत हासिल की है कि वो महबूबियत की दर्जे पे पहुंच चुका है। एक ऐसा शायर जिसने मुशायरों में हंगामे पैदा किए हैं, मुशायरों में हलचले जिस शायर की माइक पर आने से हुई है, वो शायर है जनाब असद वस्तवी, जो आज के अहद की सच्चाइयों और कड़वाहटों को शायरी बनाकर आपके खिदमत में पेश करेंगे। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। जोरदार इस्तकबाल करके इजाजत दें जनाब असद वस्तवी को कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। सरजमीन गोंडे हमदर्द कौम मिल्लत ज़माँ वाले जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की मौजूदगी, मेरी खुशकिस्मती की मैं आज इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। वक्त बहुत कम है, बिला किसी तमहीद के मैं चार मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ। वो चार मिसरे जो मेरा जज्बा है, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है, अल्लाह करे कि मेरे जज्बे में तमाम लोग शामिल हो जाए। शेर महाराष्ट्र शेर हिंदुस्तान अली जनाब अबू आसिम आज़मी की नज़्म करता हूँ चार मिसरे और पेश करता हूँ, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। जी भाई अता कीजिए। उस मनसब का कुछ ज़ोन नहीं, दुनिया के किसी हाकिम की तरह। क्या कहना? उस मनसब का कुछ ज़ोन नहीं, दुनिया के किसी हाकिम की तरह। मिल्लत की वो खिदमत करता है बस एक सच्चे खातिम। वाह 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 वाह। मिल्लत की वो खिदमत करता है बस एक सच्चे खातिम की तरह। अगले मिसरे पर अगली सब से लेकर पिछली सब तक जहां जहां लोग तशरीफ रखते हैं, अहले आने स्टेट भी मेरे शेर में शरीक होंगे। पेश करता हूं मेरे खास लाला फरमाए इरशाद। उसे मनसब का कुछ ज़ोम नहीं, दुनिया के किसी हाकिम की तरह। वो कौम की खिदमत करता है बस एक सच्चे खातिम की तरह। दावा है मेरा थम जाएगी हर जुल्म तशद्दुद की आधी। दावा है मेरा थम जाएगी हर जुल्म तशद्दुद की आधी। हो जाए वतन में अपने अगर कुछ शेर बुआस। वाह क्या कहना क्या कहना। वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब जिंदाबाद आसिम की। वाह 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 बहुत शुक्रिया। एक मिनट असद वस्तवी आप जरा रुकिए, मैं इधर का टेम्परेचर नाप के देखता हूँ। बुजुर्गों और साथियों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ एक बात अर्ज करता हूँ। जितने खूबसूरत तरीके से लफ्जों को फरत के ये चार मिसले कहे गए थे और पढ़े गए थे, आपने उनके साथ उतना अच्छा सुलूक नहीं किया। जिस तरह से इसका इस्तेमाल होना चाहिए था वैसे आपने नहीं पढ़ा। जाहिर है कि अब मैं दोबारा बोलूंगा तो चार मिनट असद वस्तवी के ही कम होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चार मिसरे एक बार फिर पढ़े और गोवंडी मुझे दिखाए कि इन चार मिसरों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। जोरदार इस्तेमाल करके एक बार बताइए असद वस्तवी को आप कैसे सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, मुझे पता है कि ये तमाम लोग ये क्या पूरा हिंदुस्तान समाज में साहब से बड़ी मोहब्बत करता है। यकीनन मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि उनकी मौजूदगी में मैं पढ़ रहा हूँ। अब आसिम आसिमी साहब ने मुझे शायर बनाया है उनकी मोहब्बत में। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप शरीक हो जाए। पेश करता हूँ मेरे पास। उसे मनसब का कुछ ज़ोन नहीं, दुनिया के किसी हाकिम की तरह। वो कौम की खिदमत करता है बस एक सच्चे खादिम की तरह। वो कौम की खिदमत
خدمت کرتا ہے بس ایک سچے خادم کی طرح دعویٰ ہو میرا تھم جائے گی ہر ظلم تشدد کی آندھی دعویٰ ہو میرا تھم جائے گی ہر ظلم تشدد کی آندھی ہو جائے وطن میں اپنے اگر کچھ شیر ابو آسان تمام طرح کی کل سے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلوں پر وہ فلم کو لے کر کے جبکہ کئی فیصلے ہماری قوم کے خلاف آئے ہیں ہم نے تمام فیصلوں کا کورٹ کا استقبال کیا ہے آپ تمام لوگ جو ہے میرے شیر سے اور پیش کرتا ہوں ہریانے اسٹیج سے اور تمام لوگ سے شریک کرتا ہوں ارشاد ارشاد دیش کی حالت ہے ایسی کہ دیکھ کے رونا جائے جو اہل نہیں تھے کرسی کے وہ لوگ ہی کرسی والے ہیں اس دیش کی حالت ہے ایسی کہ دیکھ کے رونا جائے جو اہل نہیں تھے کرسی کے وہ لوگ ہی کرسی والے ہیں قانون سے جو کھلوار کرے وہ ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں قانون سے جو ہائن کی نظر میں مجرم تو بس داڑھی تو بھائی کیا کہنا ہے کیا کہنا واہ 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 بہت شکریہ گرامی ایک مطلب دو تین شعر پڑھتا ہوں میرے محترم ملکر فرما شاہ نواز خان صاحب شعر پڑھتے ہیں وہ نظم انہیں بہت اچھی لگتی ہے انہیں کی فرمائش ہے پیش کرتا ہوں مطلب خان شاہ نواز بھائی کیسے ہے راہ پر کیسے ہے رہنما کیسے ہے راہ پر کیسے ہے رہنما اور کیسی ہماری یہ سرکار ہے کیسے ہے یہ میں نہیں کہتا ہندوستان کے سپریم کورٹ کے کئی جج کہتے ہیں پیش کرتا ہوں میرے خاص کیسے ہے راہ پر کیسے ہے رہنما کیسے ہے راہ پر کیسے ہے رہنما اور کیسی ہماری یہ سرکار ہے آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں عرش پتا بدلتا ارشاد ارشاد ظالموں ظلم کرتے ہو کرتے رہو سامنے سر تمہارے جھکے گا ظالموں ظلم کرتے ہو کرتے رہو سامنے سر تمہارے جھکے گا نہیں اپنے اللہ کے سچے بندے ہم اپنے اللہ کے سچے بندے ہم اور اللہ ہمارا مددگار ہے اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں ہم اور پیش کرتا ہوں تو خاص کل یوم جمہوریہ ہے اس کے پہلے 15 اگست کو ہمارے ملک کے ہمارے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ مدرسوں میں ویڈیوگرافی کرائی جائے حال نگرانی اس ملک کی آزادی میں سب سے اہم کردار علماء کرام کا مدارس عربیہ کا پیش کرتا ہوں یہ شعر بطور خاص کیسے ہے رہنما آزمانا ہو تو آزما لو کبھی
क्या कहना है? रोज कल मुल्क के सरहदों पर आजमाना हो तो आजमा लो कभी, रोज कल मुल्क के सरहदों पर हमें हर मुसलमान अपने वतन के लिए, हर मुसलमान अपने वतन के लिए जान देने को हर बात तैयार है, हर मुसलमान अपने वतन के लिए। अब आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी शेर पर ढेर सारी दुआएं देकर मुझे रफ्तार करने पेश करता हूँ। कुछ समझ में ही आता नहीं क्या करे, इस कदर नफरत है, इस कदर साजिश है, कुछ समझ में ही आता नहीं क्या करे। हम नमाजी है मिसबाक है हाथ में, हम नमाजी है मिसबाक है हाथ में, ओ समझते हैं शायद ये तलवार है। अल्लाह के नबी जनाब हसन बस्तवी साहब आपके खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। ये गोवंडी वही मिट्टी है, वही सरजमीन है जहाँ एक मदरसे में खिदमत करते करते हसन बस्तवी ने मुशायरों में अपना सफर शुरू किया। गोवंडी के लोगों की दुआएं मिली और आज ये नाम पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों की जीनत बन गया। ये गोवंडी की दुआओं का असर है। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करते हुए अगले शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ।